हेलो एवरी, वेलकम टू वेदुमी। और आज से हम शुरू करेंगे इम्यूनोलॉजी की सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि एनिमल फिजियोलॉजी में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। उसमें अभी दो लेक्चर रह गए हैं, एक तो यूरिन फॉर्मेशन एंड एक आपका लेक्चर रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। तो मतलब एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का मुझे एक लेक्चर आपको पढ़ाना है और दूसरा जो है हमारा वो रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये सारे दो लेक्चर जो हैं वो इसी सीरीज के बीच बीच में मैं लेके आती रहूंगी। तो मैंने सोचा जब एनिमल फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है तो इम्यूनोलॉजी की भी सीरीज हम लॉन्च कर लेंगे। तो इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले हम यहाँ कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका CSIR में काफी वेटेज है। तो जैसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर आप एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी पार्ट को पिकअप किया है। तो पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करेंगे, इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स बचते हैं वो भी हम पूरे तैयार कर लेंगे एक एक करके। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग में हम पूरा अपना थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, इसके बाद हम PYQ को सॉल्व करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंड थर्ड लेक्चर में अगेन जो हमारी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होती हैं जैसे आइसोटाइप हो गया, आइडियोटाइप हो गया, एलोटाइप्स हो गया, इन सब के बारे में डिफरेंसेस पढ़ने के बाद फिर हम PYQ को सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है अबाउट एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी का ओरिजिन या हमें कैसे पता चला कि एंटीबॉडी भी कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, या कोई भी फॉरेन पैथोजन या एंटीजन जब बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर मैं क्या है ना कि बेसिक से हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई टाइप के ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और जितना CSIR में ज़रूरी है, जितना डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको CSIR के लिए चाहिए वो सारा हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप एंटीबॉडी की बात करें तो हमें पता है कि ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्लड के भी कई कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने ब्लड को सेपरेट किया था। मतलब जैसे अगर आप कुछ ब्लड लेते हैं, 2 ml ब्लड लें या 5 ml ब्लड लें, उसको एक एपेंड्रॉप में रखेंगे। एपेंड्रॉप बेसिकली सेंट्रीफ्यूज करने के लिए एक ट्यूब होती है। तो अगर आप उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखते हैं और उसका सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो आपको 2 type के स्ट्रक्चर या फिर 2 types की जो एलिमेंट्स हैं वो मिले थे। तो पहला डिफ्रेंशिएट किया गया प्लाज्मा एंड सेकेंड से आपकी सेल। तो ब्लड सेल्स में आपकी ल्यूकोसाइट्स आती हैं, RBC आती हैं, एरिथ्रोसाइट्स आती हैं। तो ये एक फ्रैक्शन था एंड सेकेंड फ्रैक्शन था आपका प्लाज्मा। तो ये जो आपका प्लाज्मा वाला प्रोटीन था, इसमें जब क्लॉटिंग प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर जब प्रेजेंट होते हैं तो उस लिक्विड पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा। एंड सेकेंड जो है वो होता है आपका सीरम। तो सीरम में आप सीरम की बात तब कहते हैं जब आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं। मतलब क्या है, सेंट्रीफिकेशन में 2 fraction मेनली मिलते हैं। पहली होती हैं आपकी ब्लड सेल्स एंड सेकेंड होता है आपका लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट जिसमें अभी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट हैं तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा। जब आप इन क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीरम, और इसी सीरम में आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको प्लाज्मा के बारे में बताती हूँ। अगर आप प्लाज्मा को, क्या हुआ, पहले तो हमने सेंट्रीफ्यूज करा, सेपरेशन करा, प्लाज्मा मिला और फिर हमें मिली ब्लड सेल्स। जब हमने इस प्लाज्मा को सेपरेट करा इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो इसमें हमें कई टाइप के, मतलब 3 type के मेनली प्रोटीन मिले। एक था हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और था फाइब्रोजन। तो ये 3 proteins मिले, ठीक है, प्लाज्मा की मैं अभी बात कर रही हूं। तो ये जो आपका एल्ब्यूमिन है ये हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, ग्लोबुलिन जो है वो मीडियम उसका मोलिकुलर वेट है, और बाकी आप फाइब्रोजन की बात करें तो ये बहुत स्मॉल मोलिकुलर वेटेड प्रोटीन्स होते हैं। जब मैं आपको यूरिन फिल्टरेशन बताऊंगी या फिर हम किडनी का पूरा फिल्टरेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एल्ब्यूमिन पार्ट होता है वो कभी भी आपके फिल्टरेट में प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रोजन है।
तो अभी हमें नहीं पता है कि एंटीबॉडी किस पार्ट में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या किया गया, इन सारे प्रोटीन को फिर से सेपरेट किया गया जेल में। तो जब हमने ग्लोब्यूलिन को भी सेपरेट करा, तो ग्लोब्यूलिन को सेपरेट करने के बाद हमें 3 पीक्स मिली। कौन कौन सी पीक मिली? एक तो थी हमारी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि सीरम के ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो 3 पीक मिली, अल्फा, बीटा एंड गामा, उसमें जो आपकी गामा पीक थी या जो आपका गामा फ्रैक्शन था, तो गामा फ्रैक्शन में ही आपको सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मिली। तो यही रीजन है कि एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इम्यूनो मीनिंग कैसा है कि इम्यूनो बेसिकली डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड ग्लोबिन जो आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है उसमें आपकी एंटीबॉडी का फ्रैक्शन मिला था, इसीलिए एंटीबॉडी का अनदर नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर अब आप थोड़ी सी एडवांस बुक पे जाएंगे, यदि आप मेडिकल फिजियोलॉजी की एडवांस किसी बुक में देखेंगे, तो आपको एक और नाम मिलता है, दैट इज गामा ग्लोब्यूलिन या गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्रैक्शन है, जो हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है, वो आपको मिलता है गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन में। इसीलिए या तो एंटीबॉडी लिखा होगा या इम्यूनोग्लोब्यूलिन लिखा होगा या गामा ग्लोब्यूलिन लिखा होगा, तो ये मतलब आप पूरी एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कभी ये कोई एडवांस एमसीक्यू आपको मिले जिसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी किस फ्रैक्शन का पार्ट है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा, तो आप क्या ऑप्ट करेंगे? गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक, अब अगर ये मैं आपको यहाँ पे मेजर फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ कि जो मोस्ट ऑफ एंटीबॉडीज हैं वो आपकी गामा फ्रैक्शंस में हमें मिलती हैं, लेकिन जो आपकी आईजीजी एंटीबॉडी है और अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी, उनका कुछ कुछ फ्रैक्शन आपके अल्फा एंड बीटा सीरम में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर आप गामा ग्लोबुलिन ही कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी अबाउट एंटीबॉडी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंटीबॉडी बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें जो ग्लोब्यूलिन है उसका पार्ट होती है, इसीलिए इसका नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। और जब आप ग्लोब्यूलिन को भी सीक्रेट सेपरेट करेंगे तो उसमें आपको 3 पीक्स मिलती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो आपकी गामा पीक है या जो आपका गामा फ्रैक्शन है, वहीं पर मेजोरिटी में एंटीबॉडी का एंटीबॉडीज जो है वो मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे। तो एंटीबॉडी क्या है? एक हेटेरोडाइमर है। अब हेटेरो मतलब कि हमें पता है कि इसमें जब हम होमो की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी, और हेटेरो की बात करते हैं तो वो सिमिलर नहीं होते, डिससिमिलैरिटीज को शो करते हैं। तो डाइमर है मतलब कि टू टाइप्स की यहाँ पर चेन, क्योंकि एंटीबॉडी बेसिकली चेन का ही कॉम्बिनेशन है, तो हम कहेंगे यहाँ पे टू टाइप्स की चेन, डिफरेंट टाइप की चेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम है हेटेरोडाइमर, या तो आप इसको टेट्रामर भी कह सकते हैं। अगर लिखा है हेटेरोडाइमर वो भी ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी टेट्रामेरिक इन नेचर है। तो यहाँ पर टेट्रामेरिक है मतलब कि टू लाइट चेन प्रेजेंट है एंड टू हैवी चेन प्रेजेंट है। लाइट चेन अलग है, हैवी चेन अलग है, इसीलिए इसको हेटेरोडाइमर भी कहा जाता है। अब लाइट चेन हमें पता है कि स्मॉलर होगी, और हैवी चेन नाम से ही पता है, हैवी है मीनिंग की लार्जर इन नेचर होगी। अब ये जो चेन है, अगर आप लाइट चेन की बात करें या हैवी चेन की बात करें, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधी होती हैं, बाउंडेड होती हैं आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एक्चुअली एंटीबॉडी की जब आप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वहीं पर जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो किस तरीके से अलग है वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। अभी अगर आप स्ट्रक्चरल की बात करें तो जो आपका हैवी चेन है और लाइट चेन है वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। आइडेंटिकल जो आपकी हैवी चेन एंड लाइट चेन है वो क्रिएट करती हैं आपके एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को। अभी ये इन्फॉर्मेशन है, इसे आप अपने पास रखो, डायग्राम के थ्रू अभी हम ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अप्लाई करेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय वेरिएबल रीजन। अब ये वेरिएबल रीजन क्या है?
तो वेरिएबल रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं वो डाइवर्स फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंटीबॉडी है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है, कॉन्स्टेंट रीजन होता है। तो वेरिएबल नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ वेरिएशन होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो ये जो वेरिएबल रीजन होते हैं ऑन लाइट चेन एंड हैवी चेन, ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनमें जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो एक है वेरिएबल रीजन, और वेरिएबल रीजंस का ही एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है इसको हाइपर वेरिएबल रीजंस भी कहा जाता है। इसी ये वो एक ऐसा रीजन है जहां पर आपका एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ। अब ये कहां है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। प्योर डिफरेंट एग्जिस्ट इन कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ आपकी जो हैवी चेन है एंड लाइट चेन है इन सेम क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। अगर आप एंटीबॉडी की बात करें तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टेंट रीजन है वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये आपका पूरा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, टेट्रामर या हेटेरोडाइमर। तो एक आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन लाइट चेन है, फिर आपकी हैवी चेन, अगेन हैवी चेन एंड लाइट चेन। तो ये आपका बेसिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो आपस में बंधे हुए किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो आपकी हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में है, प्लस हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रक्चरल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो है हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इसके बाद क्या है कि जैसे हमें पता है कि एंटीबॉडी क्या है, एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड है तो इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे तो मतलब इनमें अमाइनो टर्मिनल होगा प्लस कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा। तो जो हमारा अमाइनो टर्मिनल एंड है वो होता है वेरिएबल रीजन पे। ये बेसिकली होते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। सेम फिनोमिना आकर इन दिस साइड, जैसे वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये है हमारे अमाइनो टर्मिनल। और नीचे का जो कॉन्स्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। और यही जो हमारा कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन है, कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, यहाँ पर हमारे ज्वाइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी वजह से ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन यहाँ पे अटैच्ड है, इसका नाम पड़ा ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो आपकी एंटीबॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, और कार्बोक्सिलिक एंड लाइट चेन का ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये तो बात होगी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वेरिएबल रीजंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो आपके हैं ये वेरिएबल रीजन है, और यहीं पर आपके प्रेजेंट होते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन, जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजंस होते हैं। और आपका जो एंटीजन है, कोई भी एंटीजन होगा लाइक दैट, ये आपका एंटीजन है और ये एंटीजन आपके यहाँ पर बाइंड होगा। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होंगे वो डाइवर्स होते हैं। हर एक, अगर आप एंटीबॉडी की बात करें तो उनमें कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं जो उस वेरिएबल रीजंस को डिफरेंट करते हैं फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आपके हाथ में है, तो उन 10 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में ये जो आपका हाइपर वेरिएबल रीजन है वो 10 टाइप्स का होगा, जिससे जितने ज्यादा एंटीजन है वो, जितनी ज्यादा आपका ये अलग अलग एंटीबॉडीज में हाइपर वेरिएबल रीजन होगा तो वो इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन से बाइंड कर लेंगी। तो यहीं पर आके आपका एंटीजन बाइंड करता है, आपका एंटीजन नहीं तो यहाँ पे भी बाइंड नहीं करता, इस तरफ भी बाइंड नहीं करता, ये केवल बाइंड करता है आपकी हैवी चेन और लाइट चेन के बीच, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एक फॉर्मेशन हो पाए। और आपका जो एंटीजन है, जब तक उसका डिग्रेडेशन या डीनेचुरेशन नहीं हो पाए तब तक वो इजीली यहाँ पे बाइंड करे, एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये हाइपर वेरिएबल रीजन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड है मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होगी, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे, कुछ न्यूट्रल मतलब चार्ज जिन पे नहीं होगा उस टाइप के अमाइनो एसिड्स होंगे। तो जो अमाइनो एसिड जिनके पास चार्ज है, बेसिकली आयंस हैं, वो क्रिएट करते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को।
तो जब भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फंक्शनैलिटी की बात करें तो आपका ये जो एंटीजन है और प्लस एंटीबॉडी, इसके बीच में ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, इन दोनों के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड या आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड या आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, उसका फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे होता है, क्योंकि जो आपके अमाइनो एसिड या जो आयंस हैं उनके बीच इलेक्ट्रो जो आपका फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, उसका प्लस में जो आपका वंडरवॉल फोर्स है, उसके परिणाम से ही आपका ये जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको आई होप की समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज और है, एक होता है आपके हिंज रीजन, जो आपका ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, जो बेसिकली आपकी जो हैवी चेन है उसके मिडिल का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड हिंज रीजन। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि CH1, CH2, CH3 ये जो है ये आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जो एंटीबॉडी है उसके पास एटलीस्ट 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और दो एक ऐसी बॉडी है IgM and IgE जो एंटीबॉडीज हैं उनके पास 4 डोमेन प्रेजेंट होती है। इसीलिए ये कहा जाता है उनका जो कांस्टेंट रीजन है वो लॉन्ग या लार्जर कांस्टेंट रीजन होता है कंपेयर टू IgG, IgA and IgD। तो ये जो आपका कांस्टेंट रीजन है ये लार्जर होता है IgM में एंड IgE में। उसको कैसे याद रखना है, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको वहां बता दूंगी। ये अभी एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन दिए हुए हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने स्ट्रक्चर जान लिया कि एंटीबॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस पार्ट का क्या काम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि चलो ठीक है, एंटीबॉडीज कोई है ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल से जो बेसिकली डिफेंस में काम करता है, फिर हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, लेकिन बेसिकली जो एंटीजन है वो किस पोर्शन से बाइंड करता है। क्योंकि एंटीबॉडी के अब दो पोर्शन हमने आइडेंटिफाई किए, एक तो वेरिएबल रीजन था, कॉन्स्टेंट रीजन था, लेकिन एंटीजन किस रीजन से बाइंड करता है, वेरिएबल से बाइंड करता है या कॉन्स्टेंट से बाइंड करता है, उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, एंजाइमेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। क्योंकि ये चीज हमें पता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन इन नेचर है, तो जो आपके प्रोटीएजेस हैं उनसे इजीली इनको डाइजेस्ट किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने किया क्या कि यहां पर उन्होंने, ठीक है, दो एंजाइम लिए थे, एक का नाम था पेपिन और दूसरा था पेप्सिन। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी ली गई थी वो थी IgG एंटीबॉडी, क्योंकि IgG एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ये 80% हमारे सीरम या ग्लोबुलिन पार्ट का हिस्सा होती है। तो हमने क्या लिया कि एक सोल्यूशन लिया, पहले तो एक फ्लास्क लिया, उसमें जो सोल्यूशन लिया वो था IgG एंटीबॉडी का और हमने उसमें पेपिन एंजाइम को डाला। जैसे ही हमने उसको उसमें पेपिन एंजाइम को डाला तो हमने देखा हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिले हैं। अब हमें नहीं पता कि ये फ्रेगमेंट्स क्या हैं, तो सिंपली जो फ्रेगमेंट मिले उसके बाद जब एंटीजन भी उसमें डाला गया तो कुछ ऐसे फ्रेगमेंट थे जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंड किया। अभी ये सारी चीज डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी, अभी सुनो जो मैं कहूंगी, ठीक। तो क्या था कि हमें कुछ फ्रैक्शंस मिले, अब हमें नहीं पता कि कौन सा फ्रैक्शन है जो एंटीजन से बाइंड करेगा, कौन सा फ्रैक्शन है जो एंटीजन से नहीं बाइंड करेगा। तो इन्होंने उसके बाद एंटीजन को ऐड किया, जब एंटीजन को ऐड किया तो कुछ ऐसे फ्रेगमेंट थे जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंडिंग शो करी और कुछ ऐसे फ्रेगमेंट थे जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंडिंग शो नहीं करी। तो ऐसे फ्रेगमेंट जिन्होंने एंटीजन के साथ बाइंड किया उन्हें कहा गया FAB फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो ये थे FAB फ्रेगमेंट। और जो दूसरे जिन्हें एंटीजन बाइंडिंग भी कहा जाता है, सेकंड थे आपके FC फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टल। तो यहां पर ये कौन से थे, नॉन एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट थे। फिर सेकंड जो है पेप्सिन से डाइजेशन किया गया, तो पेप्सिन से डाइजेशन करने के बाद भी हमें कुछ फ्रेगमेंट मिले, लेकिन हमें एक ऐसा फ्रेगमेंट मिला जो दो एंटीजन को बाइंड किए हुए था, क्योंकि ये हमारे एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड था, एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड था और कुछ एक ऐसा सा फ्रेगमेंट मिला, तो इसमें हमें दो फ्रेगमेंट मिले। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए
कि जब हम पेप्सिन में फ्रेगमेंट की बात करते हैं तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। अब ये क्यों होता है ये आगे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। फिर क्या था कि जो आपकी एंटीबॉडी थी हेल्प टू रिलेट डाइजेशन प्रोडक्ट टू द हैवी चेन लाइट चेन रिडक्शन प्रोडक्ट, जो आपका फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट की आप बात करें तो ये दोनों का पार्ट होता है। ये चीज हमें पता है लाइट चेन का भी एंड हैवी चेन का भी, क्योंकि ये लाइट चेन है ये हैवी चेन है, इसी के बीच हमारे जो एंटीजन है वो बाइंड करेंगे। जो हमारा पेपिन है एंड पेप्सिन है वो क्लीव किया था, जो मैंने पहले ही आपको बताया IgG एंटीबॉडी को एट डिफरेंट पॉइंट, और इसने प्रोड्यूस करे थे डिफरेंट फ्रेगमेंट या डिफरेंट प्रोडक्ट। और एक थर्ड एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट किया गया जो बेसिकली ये देखने के लिए था कि मरकेप्टोएथेनॉल का क्या यूज है या किस तरीके से वो एंटीबॉडी पे इफेक्ट शो करेगा। तो जो आपका मरकेप्टोएथेनॉल जो रिडक्शन एंड एल्कलाइलेशन जब हमने किया तो क्या मिला कि सेपरेशन हुआ हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। यहाँ पर हमें ना ही कोई बाउंडेड रीजन मिला, ना हमें फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाउंडेड मिला, ना ही हमें एफसी पोर्शन मिले, यहाँ सिंपली हमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जो हमारा मरकेप्टोएथेनॉल है वो कैसे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्रैक करता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या है, ये है हमारी एक एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी है, IgG एंटीबॉडी। क्यों, क्योंकि जो हमने सोल्यूशन बनाया उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ही IgG एंटीबॉडी का नेचुरली होता है, ये 80% प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारा IgM होता है, तो वो अभी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। तो ये था जब हमने इसको पेप्सिन से डाइजेस्ट करा, तो पेप्सिन से डाइजेस्ट करा तो उसने कहां पे कट किया, उसने कट किया हमारी हैवी चेन के कॉन्स्टेंट रीजन पर। उसने कहां पे कट किया, हैवी चेन के कॉन्स्टेंट रीजन पे। तो हमें दो फ्रेगमेंट मिले, एक तो हमें फ्रेगमेंट मिल गया जो बाउंडेड था, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, एंड सेकंड हमारा एफसी फ्रेगमेंट मतलब ये वाला फ्रेगमेंट मिला। तो आपने यहां पर फ्रेगमेंट एक ही है लेकिन एंटीजन दो बाइंड करे गए, इसीलिए इसको लिखा गया एक फ्रेगमेंट और एंटीजन टू बाइंड है, इसीलिए FAB2 कोष्ठक के बाहर। इसीलिए इसको लिखने का तरीका ऐसा है क्योंकि फ्रेगमेंट भले ही एक है लेकिन एंटीजन जो है वो टू बाइंड किए गए। और ये जो क्रिस्टल वाला फ्रेगमेंट था, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टल, ये कुछ ऐसे फ्रेगमेंट थे जो बॉटम में सेटल डाउन हो गए थे, इसीलिए ये नॉन बाउंडेड है जहां पे एंटीजन नहीं बाइंड हुआ था। यहां पर केवल क्या है, क्रिस्टल जो है वो फ्रेगमेंट मिले थे, तो दैट इज कॉल्ड एफसी फ्रेगमेंट, जिन्हें कॉन्स्टेंट फ्रेगमेंट कहा गया। फिर इसके बाद आएगा आपका पेपिन। जब आपने पेपिन से डाइजेशन करा तो हमने देखा कि इसने यहाँ पे जो हिंज रीजन था वहां पे कट किया। जब इसने हिंज रीजन पे कट किया तो यहाँ पर हमें टोटल फ्रेगमेंट 3 मिले, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट 2 थे और यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट 3 मिले थे जब हमने पेपिन से डाइजेशन किया। तो यहां पर एक एंटीजन इस फ्रेगमेंट से हुआ, दूसरा एंटीजन इस फ्रेगमेंट से बाइंडेड था, तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका क्या, फ्रेगमेंट एक एंटीजन बाइंडिंग भी एक की हुई, देन अगेन फ्रेगमेंट एक एंटी, तो हम इसको लिखते हैं टू फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग प्लस में हमारा एक है एफसी, तो टोटल 1, 2 एंड 3, तो 3 फ्रेगमेंट हमें यहां पर मिले, यहां 2 फ्रेगमेंट मिले। और इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर थर्ड जो है वो था हमारा मरकेप्टोएथेनॉल। तो मरकेप्टोएथेनॉल सिंपली क्या करेगा, जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनको क्लीव करेगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे क्लीव हुए तो हमें कितनी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिली। हमें यहाँ पे किसी टाइप का एंटीजन बाउंडेड फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ना ही मिला। तो ये जो था वो हमारा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम स्विच करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी में। तो आप समझ गए कि बेसिकली एंटीबॉडी किस तरीके से डिस्कवर्ड हुई, फिर सेकंड मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, फिर थर्ड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो एंटीजन है वो वेरिएबल रीजन से बाइंड होते हैं, और अब हम स्विच करते हैं एंटीबॉडी फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। अब ये ऑप्सोनाइजेशन क्या है, तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या है कि पहले आप जान लीजिए, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है,
अब ये जो बैक्टीरिया है, पूरा बैक्टीरिया हमारा पैथोजेनिक नहीं होता, कुछ ऐसे प्रोटीन या कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इस बैक्टीरिया पे जो कैसे होंगे, पैथोजेनिक होंगे। तो ये मान के चलिए ये कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये एंटीबॉडी करेगी क्या, ये एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी एफ ए बी पोर्शन से आपके एंटीजन पे, और इसका जो एफसी पोर्शन है, ये वाला एफसी पोर्शन अब फ्री है। तो जब ये एफसी पोर्शन फ्री है तो ऑब्वियसली बात है फ्री है तो यहां पर ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी दूसरी चीज से भी बाइंड हो सकता है। तो ये जो एफसी रिसेप्टर है वो आपके प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस पे या न्यूट्रोफिल्स पे, मतलब जो आपकी फेगोसिटिक सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स आपकी जैसे ये मैक्रोफेज हैं एंड आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं, तो यहां पर आपका प्रेजेंट हो होगा एफसी रिसेप्टर, जैसे ये प्रेजेंट है। तो ये जो एफसी रिसेप्टर है जिन्हें मैं लिख रही हूं एफसीआर, ये एफसी रिसेप्टर इजीली बाइंड कर सकते हैं इस एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी से। तो ये एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी से ये मैक्रोफेजेस बाइंड करते हैं और उसके बाद पूरी फेगोसाइटोसिस की एक प्रोसेस होती है और ये जो एंटीजन है या फिर जो आपका टारगेट सेल है, बैक्टीरियल सेल्स है, उसको इसीलिए क्या कर लेती है, फेगोसाइट कर लेती है, उसको उसको डिग्रेड कर देती है। तो ये आपकी प्रोसेस कहलाती है ऑप्सोनाइजेशन। ये कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हुआ एफ ए बी पोर्शन से, ये एंटीबॉडी का फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग है, इसके साथ इसने बाउंडेशन किया, एफसी पोर्शन आपका फ्री था, एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे आपके मैक्रोफेजेस पे जिन्होंने बाइंड किया हमारे एफसी पोर्शन से और उसके बाद इनने फेगोसाइटोसिस करी, यही आपका ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। वही चीज है जो आपके एफसी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस पे या न्यूट्रोफिल्स पे और ये बाइंड करते हैं एंटीबॉडी के कॉन्स्टेंट रीजन से, दैट इज कॉल्ड एफसी रीजन। मल्टीपल जो एंटीबॉडी है वो बाइंड कर सकती है आपका सेम टारगेट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एंटीजन ये एक, ये ऐसा तो है नहीं कि एक सेल पे एक ही एंटीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज भी इसके साथ बाइंड कर सकती हैं। अब क्या है, क्रॉस लिंक एफसी रिसेप्टर, जैसे ही ये जो एफसी रिसेप्टर हैं आपकी एफसी एंटीबॉडी के पोर्शन पे बाइंड होगी, जो एफसी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस पे, न्यूट्रोफिल्स पे, तो एक सिग्नलिंग होगी। सिग्नलिंग किसके अंदर होगी, आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स की या जो आपकी फेगोसिटिक सेल्स हैं उनके अंदर सिग्नलिंग होगी, और सिग्नलिंग होने के बाद ये बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, जो जिससे क्या होगा कि जो आपका बैक्टीरिया है उसको पूरे तरीके से किल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये पूरा फॉर्मेशन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हुई, फिर उसके बाद आपकी मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आई, उनने पूरे एंटीजन को इंगल्फ किया, फिर उसके बाद सिग्नलिंग हुआ, तो अंदर ही उनका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है और आपकी जो टारगेट सेल्स है वो पूरे तरीके से डिग्रेड कर दी जाती है। लेकिन इसका इनिशिएशन कैसे हुआ, एंटीबॉडी से ही हुआ, क्योंकि सबसे पहले एंटीबॉडी ने एंटीजन की सर्फेस पर बाउंड किया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया ऑप्सोनाइजेशन, और ये प्राइमरली या मेन फंक्शन है किसी भी एंटीबॉडी का। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें आप फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं, जिसमें आप फेगोसाइटोसिस की बात कर सकते हैं, फेगोसाइट्स आपकी पूरे एंटीजन को इंगल्फ करेंगी, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। अब सेकंड आपकी प्रोसीजर होती है एंटीबॉडी एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे, जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी एंटीबॉडीज के बाद, मैं कॉम्प्लीमेंट ही आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आपका क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर मेजर जो टू एंटीबॉडी है IgM और IgG की कुछ सब क्लासेस हैं, क्योंकि अभी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटीबॉडीज का तो मैं आपको बताऊंगी जो IgG क्लास है उसकी भी कुछ सब क्लासेस होती हैं, IgM की कोई सब क्लास नहीं होती। तो IgM और IgG की जो सब क्लास है, जैसे IgG1 और IgG3, वो मेनली हमारी पार्टिसिपेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो परफोरेट करता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को। ये चीज हमें पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब 5, 6, 7, 8, 9 जो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोर को जनरेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर एक्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पर जो C3B मॉलिक्यूल होता है ये आपका बाइंड करता है
बाइंड टू द सेल एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस पे। ये अभी मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट काफी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, क्लासिकल पाथवे में अलग है, अल्टरनेटिव में अलग है, लेक्टिन पाथवे में अलग है, लेकिन ये जो C3b मॉलिक्यूल्स होता है ये सेंटर पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, जो आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी बाउंडेड कॉम्प्लेक्सेस के साथ एक्टिवेट होता है और फर्दर इनिशिएट करता है आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। मैनी टाइप्स ऑफ सेल, जैसे अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करें एंड मैक्रोफेजेस की बात करें, तो उनके पास आपके C3b रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होंगे और ये एंटीजन बाइंड करेंगे आपकी एंटीबॉडी से। अब एंटीबॉडी का जो Fc पोर्शन है वहां पर आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये बाउंड करते हैं। तो जैसे अगर हम क्लासिकल पाथवे की बात करें तो पहले C1 आता है, फिर उसके बाद C4 आता है, C2 आता है एंड C3 आता है, और इस तरीके से फिर आपका C5, C6, C7, C8 एंड C9 तक आते हैं। तो आपका ये जो C3 है ये एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, लेकिन जो आपकी कुछ सेल्स है, जैसे हम आप RBC की बात करें या फिर मैक्रोफेजेस की बात करें, तो ये जो मैक्रोफेजेस और आपकी RBC है इनके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड C3b रिसेप्टर, और ये C3b रिसेप्टर के साथ ये कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करती है। और अगेन RBC नहीं, आप इस मैक्रोफेजेस से समझिए कि मैक्रोफेजेस के जो रिसेप्टर है, क्योंकि मैक्रोफेज ही हमारी फेगोसाइटोसिस सेल है, तो ये आपके यहाँ पे बाइंड करेगी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से और फिर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। फिर क्या है, जो मैक्रोफेजेस जो है फेगोसाइट C3 बाउंडेड सेल बिल्कुल, और जो आपकी रेड सेल रेड ब्लड सेल्स है उनका क्या काम होता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये जो RBC है, जो आप के पास आरबीसी के पास भी C3b रिसेप्टर है, ये इस कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करके उसको कहां तक लेके जाएंगे, लीवर में एंड स्प्लीन में। तो इस तरीके से जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको ये क्लियर आउट करने में या क्लीनिंग करने में इम्यून सिस्टम के काम आती हैं। तो ये समझ गए आप। फिर नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन बिटवीन एंटीबॉडी और जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या है, क्रूशियल फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन, जो हमने पहले ही बात कर ली। अब इसको जो है ये ऑप्शनाइजेशन, ठीक, अब इस डायग्राम के थ्रू आपको सब समझ में आएगा। पहला क्या है, पहला एक प्रोसेस है अगर एंटीबॉडी का, ये मैंने आपको बताया ना न्यूट्रलाइजेशन, ये बड़ा बेसिक है, मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ। ये भी एक फंक्शन है एंटीबॉडी का। इसमें होता क्या है कि कोई आपकी सेल है, आप चाहे बैक्टीरियल सेल्स को ले लिए, वायरस क्या करते हैं, वायरस सिंपल आपकी बॉडी या टिश्यू सेल के अंदर आएंगे और वायरस जो है वो बेसिकली आपकी जो टारगेट सेल है उस पे अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, जिससे अब जो भी आपकी सेल है वो जितनी बार मल्टीप्लाई करे तो वो तो अब इन्फेक्ट हो ही गई है आपके वायरस के जीनोम से, तो उतनी ही बार वायरस का जीनोम भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो सेल है वो क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। तो ये जो आपकी वायरस इंफेक्टेड सेल है, और ये देखिए आपके ये क्या है, ये है वायरस। तो अब एंटीबॉडी के पास एक चीज क्या है कि इस वायरस के साथ ही डायरेक्टली बाइंड कर ले। जैसे अब ये कोई वायरस है, इसके पास अगेन कोई एंटीजन प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। अब एंटीबॉडी अगर इनिशिएशन में ही इस एंटीजन के साथ बाइंड कर लेती है तो क्या ये वायरस आपकी सेल को इन्फेक्ट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसके जो एपिटॉप थे या जो इसके एंटीजन थे उनको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सिंपली न्यूट्रलाइजेशन, जहां पर एंटीबॉडी ने जो एंटीजन या पैथोजन था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। सेकंड क्या है, सेकंड जैसे आप कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात कर लीजिए, तो ये कोई बैक्टीरियल सेल्स थी, यहां पर भी कुछ एंटीजन प्रेजेंट थे जहां पर एंटीबॉडी ने बाउंड किया, और बाउंड करने के बाद ये जो एफसी पोर्शन था यहाँ पर आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके ज्वाइंट हुए, और फिर जब ये आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके यहाँ पे ज्वाइंट हुए थे तो यहाँ पे ये जो C3 है ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, मैक्रोफेजेस के पास C3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर या तो मैक्रोफेज आके बाइंड कर जाए और इस पूरी चीज को इनगल्फ कर ले, फेगोसाइटोसिस कर ले, RBC भी इसके साथ बाइंड कर सकती है और इसको क्लियर आउट कर सकती है स्प्लीन या लीवर में ले जाके,
और थर्ड क्या है, आगे चल के इसमें और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो ऐड हो जाए। तो ये C3 है, फिर इसके बाद जैसे आपका C5 होगा, C6 होगा, C7 होगा, C8 होगा एंड C9 होगा। और इस तरीके से ये पूरे पोर का फॉर्मेशन करके जो आपकी बैक्टीरिया सेल है वहां पर उसकी मेम्ब्रेन में पोर जो है क्रिएट कर दे। नेक्स्ट क्या है, ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगी। और कैसे फेगोसाइटोसिस होगी, बाय एफसी रिसेप्टर। तो जैसे ये आपकी कोई बैक्टीरिया सेल्स थी, यहाँ पर एंटीबॉडी ने अगेन बाइंड करा, इसका जो एफसी पोर्शन था वो फ्री था, ये मैक्रोफेजेस थी जिसके पास एफसी रिसेप्टर थे, उनने इनके साथ बाइंडिंग करी और फिर आपकी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई। तो ये जो है एक कंबाइंड डायग्राम है जिसमें मैंने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज दिखा दिए और ये आपके फंक्शंस होते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक और नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। देखिए कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं, जैसे स्पेशली मैं यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स की बात करूंगी, जिसके पास एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अभी जो हमने पुराने फंक्शंस पढ़े उसमें हमने क्या फंक्शन पढ़ा कि जैसे एफसी पोर्शन से जब मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स जो है वो बाइंड करती है तो वो पूरे के पूरे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ कर लेती है, फेगोसाइटोसिस होती है। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स के पास एफसी रिसेप्टर होते हैं लेकिन ये फेगोसाइटोसिस इन नेचर नहीं होती, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ नहीं करती, इनको इतनी मेहनत करनी ही नहीं, इनको सिंपली क्या करना है कि इनके अंदर जो भी इनके पास मटेरियल प्रेजेंट है जैसे परफोरिन या ग्रे एंजाइम है ये उसका सिक्रेशन करती है और उसी टारगेट सेल पे उसका सिक्रेशन करती है। तो इस तरीके से जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स है वो डिग्रेड हो जाती है। तो वो चीज है जो आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को शो करती हैं अगेंस्ट जो टारगेट सेल जो आपके इन्फेक्टेड सेल्स हैं, और इसी को कहा जाता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। और जो एंटीबॉडीज एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर कैसा, क्योंकि इसका जो एफसी पोर्शन है वो एफसी पोर्शन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स पे। तो एंटीबॉडी एक तरीके से रिसेप्टर का काम करती है। अब कैसे वो मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये भी एक ऐसा डायग्राम है जिसमें काफी सारी चीजें एक साथ है, जैसे आप ये टारगेट सेल है इसके पास ये एंटीजन है और एंटीजन के साथ क्या बाइंड हो गई आपकी एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी मैक्रोफेजेस के पास भी आपके एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है, जब ये मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स आपके एफसी पोर्शन के साथ बाइंड करती हैं तो ये दोनों प्रोसेस क्या, वो फेगोसाइटोसिस या ऑप्सोनाइजेशन में जाएगी। एट द सेम टाइम अगर नेचुरल किलर सेल्स इनके साथ बाइंड करेगी तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करेगी, आफ्टर बाइंडिंग ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ये होती है एक्टिवेट। जब ये आपकी एक्टिवेट होती है तो ये सीक्रेट करती है ग्रे एंजाइम प्लस में आपके परफोरिन को, और ये दो हैं जो एक्ट करते हैं आपकी टारगेट सेल्स को, और इस तरीके से आपकी टारगेट सेल्स का लाइसिस हो जाता है। तो मेन जो फंक्शंस हैं, और ये जो यहाँ पे है ये इसे एसिनोफिल का फंक्शन है, तो एसिनोफिल्स पे भी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं उन एंटीबॉडी का क्या नाम होता है, IgE एंटीबॉडी, एसिनोफिल्स या मास सेल्स की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक अलग फिनोमिना होता है, ये एफसी पोर्शन के थ्रू आपकी मास सेल से बाइंड होंगी और एंटीजन बाउंडिंग जो है कुछ इस तरीके से होगा। मतलब बात वही है, जैसे यहाँ पर भी अगर आप एंटीबॉडी बाइंडिंग की बात करें सेल से तो एफसी पोर्शन पे होगी, तो वैसे ही यहाँ पे तो ये जो टारगेट सेल है इसके पास अगर कोई एलर्जेंस है, कोई एलर्जी मटेरियल है, तो वो आप उस समय आपकी कौन सी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी, उस टाइम आपकी एक्टिवेट होने वाली एंटीबॉडी होगी IgE, कॉम्प्लीमेंट में IgG या IgM का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड करती है, ऐसा नहीं कि IgG ही सारी सेल्स के लिए होगी, नहीं। जब हमने फेगोसाइटोसिस की बात करी तो IgG होगी, जब हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करी तो IgG एंड IgM होगा, और यहाँ पर जब हम एसिनोफिल की बाइंडिंग की बात करेंगे तो IgE एंटीबॉडी होगा। मास सेल्स के लिए भी IgE एंटीबॉडी होता है। तो जैसे यहाँ पे कोई एलर्जेंस था, उसने सीधा बाइंड करा आपके FAB पोर्शन से, और FC पोर्शन यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होगी, IgE, और यहाँ पर बाइंडिंग हुई, उसके बाद फिर इसमें डीग्रेन्यूलेशन होता है, और अगेन डीग्रेन्यूलेशन में कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रोटीलाइटिक आपके एंजाइम्स होंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडेंस होंगे, और ये सारे आपके जो टारगेट सेल्स हैं उसको किल करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं।
आपकी एंटीबॉडी के। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, उनको भी हमने डिटेल में स्टडी करा। तो आई होप कि ये वीडियोस और या लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, और जब हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।